नमस्कार दोस्तों आसूजी के की में आपका स्वागत है कैसे हो सभी लोग गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्कार सभी को आप सभी का स्वागत है देखो आज से इतिहास के प्रश्न भी पूछे जाएंगे क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा पिछली बार जो हमारी कमज़ोरी थी बी पार्ट जिसमें कुछ रह गए थे तो ध्यान रखना आज से ही हमें तैयारी शुरू कर देनी है मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा बी पार्ट के लिए लाइव क्लासेस भी होगी जिसमें मेरे द्वारा आपको भारत का जी के वर्ल्ड की जियोग्राफी करवाई जाएगी करंट अफेयर मैं खुद करवाऊँगा इस बार तो आप ध्यान रखना और शुरू करते हैं अपने चलो बातें बाद में करेंगे आज का पहला प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है और पाँच करोड़ का सवाल छापा युद्ध युद्धपत्ति का प्रयोग करने वाला राजस्थान का पहला राजा था दीजिए जवाब बहुत सही बोलो बांके बिहारी लाल की जय देखो हंसता रहना चाहिए जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमें आगे बढ़ना है तो इसका उत्तर होगा महाराणा उदय सिंह महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे जिन्हें मेवाड़ में कलंक कहा गया है आगे इसका प्रश्न भी आएगा उदय सिंह गद्दी पर पंद्रह ईस्वी में बैठते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्यभिषेक होता है गोगुंदा उदयपुर में इनकी मृत्यु होती है पंद्रह बेहतर में मेवाड़ में अपने स्वामी भक्ति के लिए जानी जाती है पन्ना धाए गुर्जर जाति की महिला थी गुर्जर जाति की महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह की रक्षा की उसी प्रकार मारवाड़ में गोराधाए ने अजीत सिंह की रक्षा की थी मेवाड़ में पन्ना धाय थी तो मारवाड़ में गोराधाए ध्यान रखना ये एक्स्ट्रा प्रश्न आप नोट करते रहें नेक्स्ट प्रश्न विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कहा है देखो विजय स्तंभ आपको पता है महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया है चौदह सौ सैंतीस ईस्वी में सारंगपुर हाँ दीजिए जवाब सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें जब वो जीत गए तो उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था नौ मंजिला इमारत है एक सौ बाईस फीट ऊंचा है एक सौ सीढ़ियों युक्त है कर्नल टोड नहीं होगा देखो इसका उत्तर होगा मैं आपको बताऊं डॉक्टर हरमन गौड्स ये उत्तर होगा इसका कर्नल टोन ने तो ये कहा था कि जो विजय स्तंभ है वो कुतुब मीनार जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश का संस्थापक था 1206 सौ ईस्वी में 1206 से लेकर 1210 तक वो शासन करता है उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया तो इसने कर्नल टोल ने कहा कि ये तो उससे भी श्रेष्ठ इमारत है फर्ग्यूसन जो लिखा हुआ है इन्होंने ये कहा था कि जो ये विजय स्तंभ है ये रोम के अंदर इटली की राजधानी क्या है रोम रोम के टारजन टावर से भी श्रेष्ठ इमारत है उससे तुलना की है उन्होंने और जो नाम दे रखा है डॉक्टर उपेंद्र इन्होंने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहा है क्योंकि विजय स्तंभ किसको समर्पित है देखो तो पहला अक्षर क्या है वी तो विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है नौ मंजिला इमारत एक सौ सत्तावन सीढ़ियों युक्त एक सौ बाईस फीट ऊंचा है जिस पर बिजलियां गिर गई थी तो महाराणा स्वरूप सिंह ने उसका निर्माण करवाया था तीसरी मंजिल पर नौ बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में विजय स्तंभ पर राजस्थान का पहला डाक टिकट जारी हुआ था कब हुआ था अगस्त 1949 को राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह जेके सीमेंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ है नेक्स्ट प्रश्न गुहिल के पिता का नाम था तो उत्तर होगा इसका नहीं यह नागादित्य था चलो नामादित्य हो गया इसका उत्तर होगा शिलादित्य वल भी गुजरात के शासक थे गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव पांच सौ पैंसठ ईस्वी में रखी थी एक ही समय पर एक ही स्थान पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला राजवंश कहलाता है मेवाड़ मेवाड़ में दो वंश हुए हैं एक गुहिल वंश और एक सिसोदिया वंश सही है आप सभी का जवाब पुष्पावती जो थी उन्होंने एक गुफा के अंदर गुहिल को जन्म दिया इसी कारण उनका नाम गुहिल पड़ा जो गुहिल वंश के संस्थापक है जिन्हें गुहादित्य भी कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न आज का खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किन दो व्यक्तियों ने किया था राणा सांगा बोले तो नोतिया सताइस पंद्रह में राजे अभिषेक पंद्रह तक जिए थे पंद्रह में मृत्यु हुई थी वीडियो डाल रखे मैंने तीन पार्ट डाल रखे तीनों पार्ट देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा राणा सांगा याद हो जाएगा जीवन भर के लिए इनका जन्म हुआ था चौदह ईस्वी में अप्रैल माता का नाम रतन कुंवर था हिंदू पथ बादशाह कहा जाता है ये सारा बताया हुआ है तो विश्वासघात करने वाले कौन थे सिलहंदी तंवर और खानजादा खानजादा जो था वो नागौर का था कहाँ का था नागौर का और सिलहंदी तंवर रायसिन का था आप नोट कर लेना यसिन नेक्स्ट प्रश्न नैनसी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है नैनसी मारवाड़ में एक शासक है जसवंत सिंह उनका दरबारी कवि था मुहनोत नैनसी। प्रश्न पूछा गया है एक बार कि मुहनोत नैनसी किस जाति का था मुहनोत नैनसी जो ओसवाल जैन जाति का था ओसवाल और ओस वालों की कुल देवी कौन सी है सचिया माता कौन सी है सचिया माता है ओस वालों की कुल देवी इसने गुहिलों की चौबीस शाखाओं का उल्लेख किया है तो इसकी कितनी शाखाएं बताइए चौबीस शाखाएं मोहनोत नैन्सी ने नैनसी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगतनामक ग्रंथ लिखे हैं प्रश्न है हमीर मदमर्दन के रचेता कौन है हमीर मदमर्दन बताइए आप इसमें ऑप्शन है नैन चंद्र सूरी चंद्रशेखर सारंगधर जोधराज बताइए हमीर मदमर्दन के रचेता है देखो नयनचंद्र सूरी सूर्य ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था हमीर महाकाव्य हमीर महा काव्य कौन सा था हमीर महाकाव्य चंद्रशेखर ने जो लिखा है उसका नाम है हमीर हट क्या है हमीर हट और इसका उत्तर होगा जय सिंह सूरी उत्तर क्या होगा जय सिंह सूरी सारंगधर जोधराज का हमीर रासो नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था कुंभा के दरबार में नहीं था तो इसका जवाब आप बताइए कौन नहीं था ऑप्शन आपके सामने है मुनी जीन विजयसूरी मुनि सुंदरसूरी और टिल्ला भट्ट नाथा जो दे रखा है वो आपने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है पता होगा आपको उनके भाई का नाम है तो इस आंसर का उत्तर आप लोगों का सही नहीं है मैं बता देता हूं आपको मुनी जीन विजयसूरी बाक़ी सभी उनके दरबार में थे कुंभा विद्वानों का आश्रयदाता था खुद भी एक विद्वान था कुम्भा की पुत्री रमाबाई थी जिसे वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त थी वागेश्वरी का अर्थ होता है सरस्वती क्या होता है सरस्वती कुंभा का दरबारी कवि कहने व्यास तो वो दरबारी कवि कैसे कवि कैसे कहने व्यास कुंभा का संगीत गुरु सह से संगीत गुरु सह से सारंग व्यास कुंभा का चित्रकला गुरु हीरानंद चित्र बनाता था हीरो की तरह तो उसका नाम था हीरानंद प्रश्न पूछा गया कि कुंभा के दरबारी कवि कहने व्यास का कौन सा ग्रंथ है जिसका पहला भाग राजवर्णन महाराणा कुंभा ने लिखा जवाब दीजिए आप मैं बता देता हूँ आपको देखो कुंभा के दरबारी कवि कहना व्यास का लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में एकलिंग महातम्य एकलिंग महात्म्य जो संस्कृत भाषा में है उसका पहला भाग राजवर्णन कुंभा ने लिखा और चित्रकला गुरु हिरानंद ने सुपास नाहरियम नामक ग्रंथ है जो मेवाड़ चित्रकला का सबसे बड़ा ग्रंथ है दोनों प्रश्न ध्यान में रखना आगे भी मैं जिक्र करूंगा इनका नेक्स्ट प्रश्न यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते यह कथन किसका है जॉर्ज थॉम्स नहीं है विलियम टेलर भी नहीं विंसेट सिम्थ भी नहीं इसका उत्तर है कर्नल जेम्स टॉट प्रश्न आया घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं तो उत्तर रामदेव जी नहीं था उत्तर क्या था कर्नल जेम्स टोड गांव गांव जाकर इतिहास लिखा था वेल्स यूके का निवासी था नेक्स्ट प्रश्न हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे ऑप्शन आप सभी के सामने कुछ एक्स्ट्रा जो हाथी थे उनके बारे में बता रहा हूँ आपको अकबर के पास जो हाथी था उसका नाम था हवाई अकबर के हाथी का नाम क्या था हवाई मानसिंह का जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना और महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद जिसे अकबर ने बाद में पीर प्रसाद नाम दिया था क्या नाम दिया था पीर प्रसाद नाम दिया था तो इसका उत्तर होगा लूणा राम प्रसाद गजमुक्ता गजराज इनके अलावा भी और हाथी थे महाराणा प्रताप की सेना में चक्रवाप नामक हाथी था चक्रवाप और जो मुगल शासक थे उनके पास था रन मदार रन मदार तो मर्दाना हाथी पर मान सिंह हवाई पर अकबर अकबर युद्ध में नहीं आया था मेहत्र खान ने अफवाह फैलाई थी लेकिन बाद में जब आता है उसके बारे में बताया मैंने नेक्स्ट प्रश्न हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया था तो ऑप्शन आपके सामने है चारों के चारों मायरा की गुफा उदयपुर मोलेला गांव राजसमंद चावंड उदयपुर केलवाड़ा राजसमंद जी नहीं देखिए इसका उत्तर मैं आपको अलग अलग बता देता हूं इन सभी के बारे में मोलेला गांव प्रभात जी सुथार यहां से मोलेला गांव जो है मोहनलाल कुमार जो है वो मोहनलाल कुमार है जो यहाँ मोलेला गांव है जहाँ पर मिट्टी की मृण मूर्तियाँ प्रसिद्ध है मिट्टी की मृण मूर्तियाँ प्रसिद्ध है मायरा की गुफा यह महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहलाता था चावंड महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी थी तो मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा हो गया केलवाड़ा रासमंद मिट्टी की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है मोलेला गांव रासमंद वो प्रभात जी सुधार तो कास्ट कला के जन्मदाता थे वो जवाब आ गया पहले प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था चार ऑप्शन आपके सामने मेहतर खां जलाल खां शेर खां हकीम खां बहुत बढ़िया ऐसे आसान प्रश्न आते हैं तब तो आप जवाब फटाफट देते हो ना चलो मैं बताऊं मिहतर खां वो व्यक्ति था जिसने अफवाह फैलाई थी हल्दी घाटी युद्ध में कि अकबर और सेना लेकर आ गया जलाल खां कोर्ची पहला व्यक्ति था जो पंद्रह में संधि प्रस्तावक के रूप में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया शेर खां यह आप कह सकते हो कि शेर सूरी को कह सकते हैं मैंने इसलिए ऑप्शन में डाल दिया तो इसका उत्तर होगा हकीम खां सूरी जो महाराणा प्रताप की सेना में हरावल सेना देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ हकीम खां सूरी के आगे है तो ये किस सेना का नेतृत्व कर रहा था हरावल सेना का सेना का आगे का भाग हरावल कहलाता है पीछे का भाग चंद्रावल कहलाता है राणा पुंजा सेना के पीछे के भाग का नेतृत्व कर रहा था जो भील सेनापति था और एक हाकिम खां सूरी एक पठान है मुस्लिम शासक है जिसने एक हिंदू शासक की सहायता की तो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार उसका नाम क्या है हाकिम खां सूरी पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान का महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार जो तिरंदाज लिंबाराम को दिया गया था तिरंदाज ाम को दिया गया नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था ना कि बल से यह कथन कहा है क्योंकि तो मैंने बताई थी ना बात आपको कि चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था आठ फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे आठ फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे देख सामने अकबर के भी कुर्दे कापा करते थे घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था घास चपाती खाने वाला खुद खुदार कहानी था उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर टॉम्स रो जो दस जनवरी सोलह सोलह को मैगज़ीन दुर्ग में सलीम यानी जहांगीर से मिलता है मैगजीन दुर्ग अजमेर में है वहीं पर हल्दी घाटी युद्ध की विहु रचना रणनीति बनी थी अकबर ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती जो हैं सुन रहे हो ना आप ख्वाजा मोहनुद्दीन चिस्ती उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक मुस्लिम पद्धति में किला बनवाता है जिसे अकबर का किला कहते हैं 1570 में बनवाया गया था जो 1908 से वर्तमान में एक राजपुताना म्यूजियम के रूप में चल रहा है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने विजय कट कातू की उपाधि धारण की तो इसका उत्तर आप बताइए तो इसका उत्तर होगा नहीं सांगा नहीं प्रताप भी नहीं कुंभा नहीं उत्तर है महाराणा राज सिंह सांगा तो हिंदू पथ बादशाह महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा गया है हल्दी घाटी का शेर कहा गया है बचपन में किका कहा गया था किका छोटे बच्चों को कहा जाता है भील जनजाति में महाराणा कुंभा के लिए तो उपाधियों की गिनती नहीं है हाल गुरु राजगुरु छाप गुरु दान गुरु चाप गुरु अशोपति गणपति अभिनव भ्रताचार्य राणा रासो तोडरमल नंद नंदीश्वर महाराजा धीराज हिंदू सुल्तान ये सारी उपाधियाँ थी जो परम गुरु ये सब की सब किसको थी महाराणा कुंभा को नेक्स्ट प्रश्न जोहर मेला किस जिले में लगता है ये तो आसान प्रश्न है जी बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया तो उत्तर होगा इसका क्या होगा भाई चित्तौड़गढ़ ये लो चित्तौड़गढ़ जोहर मेला कब भरता है जोहर मेला भरता है चैत्र पक्ष के कृष्ण पक्ष में एकादशी को यानी चैत्र के कृष्ण की ग्यारस को एकादशी को बोल सकते हैं अपने तो चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में तीन साके हुए थे पहला साका तेरह में दूसरा पंद्रह में तीसरा साका पंद्रह सो में अकबर के समय जब आक्रमण हुआ नेक्स्ट प्रश्न महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा महाराणा प्रताप के समय अकबर ने देखो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना आप शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हो गया था उसके बाद भेजा गया था पहले जो व्यक्ति भेजे थे वो थे जमा भाटो जलाल खां कोरची मान सिंह भगवान दास टोडरमल लेकिन यहाँ बात आ रही है शहबाज़ खान की शहबाज खां को कितनी बार भेजा गया है तीन बार भेजा गया था उसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना और पांचवीं बार गए थे पंडित जगन्नाथ कछुआ और उसके बाद अंतिम तेरह वर्षों में अघोषित संधि यानी ना तो अकबर आक्रमण करता है ना महाराणा प्रताप आक्रमण करते हैं आप वीडियो महाराणा प्रताप का भी डाल रखा है मैंने ज़रूर देखना उसको नेक्स्ट प्रश्न हरमाड़ा का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ हरमाड़ा वर्तमान में जयपुर में आता है देखो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था पंद्रह स्तावन ईस्वी में कब हुआ था पंद्रह सौ स्तावन ईस्वी में तो अब मेवाड़ की अगर मैं बात करके आपको बताया था शुरू में जो पहला प्रश्न पूछा गया कि उदय सिंह गद्दी पर बैठा था पंद्रह में और उसकी मृत्यु कब हुई थी पंद्रह में तो एक तरफ तो कन्फर्म कौन है उदय सिंह होगा कौन होगा उदय सिंह तो उदय सिंह के समय हरमाड़ा का युद्ध हुआ था और ये जो हुआ था वो एक वेश्या को लेकर हुआ था जिसका नाम था रंग राय ठीक है और इसमें क्या है मालदेव का सहयोग मिल जाता है और इसमें अजमेर की विजय होती है यानी हाजी खां की विजय होती है जो अजमेर ठिकाने के व्यक्ति थे तो इसमें उत्तर होगा उदय सिंह और हाजी खां क्योंकि मारवाड़ में उस समय जो शासक था पंद्रह इकतीस से लेकर बासठ तक इकतीस दुणा बासठ इकतीस दुना बासठ तो पंद्रह सौ इकतीस से लेकर बासठ तक का जो काल है मारवाड़ में वो मालदेव का था मालदेव ने सहायता हाजी खां की और वो विजय प्राप्त करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कुंभा की माता का नाम क्या है देखो ऑप्शन दे रखे हैं हंसाबाई पद्मनी सौभाग्य देवी भारमली कुंभा की माता का नाम है सौभाग्य देवी हंसाबाई मारवाड़ के रणमल की बहन थी जिसका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था मोकल और मोकल का पुत्र कौन है कुंभा और कुंभा यानी मोकल की पत्नी का नाम क्या है सौभाग्य देवी और सौभाग्य देवी के बेटे का नाम क्या है कुंभा भारमली जब हंसाबाई का विवाह हुआ तो रणमल ने उनके साथ दासी भेजी थी उसे उनमें एक दासी थी भारमली पहले विवाह में राजपूत राजा जो बेटी के विवाह पर दासियां भेजते थे उसे डाबरिया प्रथा कहते थे कौन सी प्रथा डाबरिया प्रथा उन दासियों से उत्पन्न होने वाली संतान राणा चाकर या द्रोगा कहलाते हैं नेक्स्ट प्रश्न महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में विभक्त है सात चार पाँच दस संगीत राज में अक्सर कितने हैं पांच तो कितने भागों में विभक्त विभक्त है पांच भागों में राज करता है तो सबसे बड़ा ग्रंथ भी कौन सा है संगीत राज ऑप्शन आए महाराणा प्रताप का ग्रंथ सबसे बड़ा कौन सा है संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंध रसिक प्रिया राजवर्णन या नृत्य रतन कोष कोई भी आ जाए तो आप उत्तर बता सकते हो कौन सा संगीत राज पाँच भागों में विभक्त नेक्स्ट प्रश्न कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी देखो कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ वो 1807 में हुआ बहुत बार बताया मैंने ये इसको जहर दिया गया मीर खां पिंडारी के द्वारा मेवाड़ के राजा राणा भीम सिंह राणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे वो सभी राजा 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं मेवाड़ का राजा राणा भीम सिंह मारवाड़ का राजा राव मान सिंह और आमेर यानी जयपुर का राजा जगत सिंह द्वितीय ये सभी के सभी अंग्रेजों से संधि करते हैं 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है उमराव किस रियासत के सामंत थे तो इसका उत्तर होगा बताइए आप उमराव मेवाड़ रियासत से संबंधित है राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है मेवाड़ है सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है मेवाड़ है नेपाल में जो वंश है वो कहाँ का है वो मेवाड़ का ही है कुंभकर्ण समर सिंह का बेटा था रतन सिंह का भाई था रावल रतन सिंह का जो नेपाल चला गया था कुंभकर्ण यानी सो रहा था एक दिन उठा तो नेपाल चला गया तो नेपाल में गोहिल वंश की नींव रखी नेक्स्ट प्रश्न महाराणा सांगा की मृत्यु किस वर्ष हुई महाराणा सांगा की मृत्यु किस वर्ष हुई ऑप्शन आप सभी के सामने 19 जनवरी पंद्रह सौ सत्तानवे ग्यारह जनवरी पंद्रह सौ इक्यासी तीस जनवरी सो पंद्रह सौ अट्ठाईस सोलह जुलाई पंद्रह सौ इकतालीस राजस्थान में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजा हैं उनकी मृत्यु जनवरी में हुई है जैसे बात करें अपने यहाँ उन्नीस जनवरी किसकी मृत्यु हुई प्रताप की ग्यारह जनवरी चंद्रसेन की किसकी हुई चंद्रसेन की तीस जनवरी उत्तर क्या होगा राणा सांगा जुलाई पंद्रह सौ इकतालीस चंद्रसेन का जन्म मारवाड़ का प्रताप कहलाता है द फॉर्गेटन हीरो ऑफ राजस्थान कहलाता है भूला बिसरा राजा कहलाता है प्रताप का अगरगामी कहलाता है विस वाला राजा कहलाता है नेक्स्ट प्रश्न चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई देखो पहले तो याद हमें यह पता होना चाहिए कि चंपानेर की संधि हुई कब थी चय से चंपानेर में देखो चय से चार पैसे पांच चार पांच के बाद में क्या आता है छ तो उत्तर क्या हो जाएगा चौदह सौ छप्पन में संधि हुई थी चंपानेर की चौदह सौ छप्पन में कौन सी संधि हुई चंपानेर की किन किन के मध्य हुई मालवा का महमूद खिलजी गुजरात का कुतुब शाह इन दोनों के मध्य संधि हुई थी महाराणा कुंभा के विरुद्ध परंतु महाराणा कुंभा ने असफल कर दिया नेक्स्ट प्रश्न इजलास खास की स्थापना किस वर्ष हुई ऑप्शन आपके सामने है अठारह सो सतेहत्तर तो मैं बताऊं आपको 1881 में प्रथम बार जनगणना हुई थी कब हुई थी अट्ठारह में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय उनके द्वारा सज्जनगढ़ पैलेस बनाया गया है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अठारह सौ यानी ईस्वी महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास जो कोर्ट था कोर्ट कोरट का नाम बदलकर क्या लिखा गया इजलास खास ठीक है तो प्रश्न इसमें और भी आ जाए भाई कि सज्जन सिंह के समय जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके द्वारा जग मंदिर में सत्यार्थ प्रकाश की रचना प्रारंभ की गई थी और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन उदयपुर से ही हुआ है सज्जन सिंह के समय ही 1880 ईस्वी में सज्जन यंत्रालय के नाम से उदयपुर में प्रथम बार खाने की स्थापना की गई थी अठारह में प्रथम बार छापे खाने की स्थापना सज्जन यंत्रालय के नाम से सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन उदयपुर में दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की रचना जगमिंदर में प्रारंभ नेक्स्ट प्रश्न बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में राणा सांगा के विरुद्ध सेना भेजी थी इब्राहिम लोदी ने किन के नेतृत्व में भेजी थी तो इसमें कुछ चीज़ें तो आपको पता ही है भई मुस्तफा अली और उस्ताद अली जब आप सांगा वाला वीडियो देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि उस्ताद अली और मुस्तफा अली तो बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे क्या थे प्रसिद्ध तोपची ख्वाजा मेहंदी हसन बाबर का बहनोई ये तो हो गए तोपची तोपची हो गए ये उसका बहनोई हो गया नुसरत खां और उलूग खां हमीर देव चौहान वाला वीडियो देखना उसमें यह बताए गए हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे किसके थे अलाउद्दीन खिलजी के तो इब्राहिम लोदी ने किन के नेतृत्व में भेजी थी मियाँ हुसैन तथा मियाँ माखन तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मियाँ हुसैन तथा मियाँ माखन इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट प्रश्न किस शिलालेख में गुहिल शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है एरन अभिलेख पीर दरगाह अभिलेख चिरवा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति नहीं गलत है धाइबा पीर दीर्गा अभिलेख से तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर जो खिजराबाद रखा था अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है एरन अभिलेख जो है इससे हमें यह पता चलता है कि जो सती प्रथा थी भानुगुप्त के समय मेवाड़ सॉरी मध्य प्रदेश के शासक थे गोपराज उनकी पत्नी सती हुई थी एरन अभिलेख सती प्रथा पर रोक अठारह में विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई गई जिसके बारे में जानकारी जो सबसे पहले मिलती है एरन अभिलेख से भाईबा पीर दरगाह से चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चीरवा शिला लेक. प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त गुप्त काल के जो शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र गुप्त को कविराज की उपाधि प्राप्त थी उनके सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरीसेन कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है चार ऑप्शन आपके सामने हैं इनमें से उन दो का चयन करना है जिन्होंने मुगलों का साथ दिया यानी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो उत्तर सभी का सही है जी बिल्कुल सही मानसिंह और राय सिंह तो ये किस में आ जाएगा बी और डी मानसिंह सात हजार मनसबदारी प्राप्त थी राजपूतों में सबसे ज़्यादा मनसबदारी इन्हीं को प्राप्त थी मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रैंक या श्रेणी होता है यानी सात हजार का मनसब प्राप्त था और मुसलमानों में अजीज को कहा मुसलमानों में अजीज कोका राय सिंह राठौड़ को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा था पंद्रह सौ में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था कल्याणमल के पुत्र थे मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई तो इसके बारे में गुहिल वंश का जो पहला पार्ट का वीडियो है आप वो देखना आपको पता चल जाएगा तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में तो मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई सिंह के समय कालभोज यानी बप्पा रावल गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने नागदा को राजधानी बनाया आलू रावल जिसे अल्लट भी कहते हैं क्या कहते हैं अलट। ऐसे अलट, ऐसे, अलट, ऐसे आलसी आलसी था तो नौकरशाही पर था की शुरुआत ऐसे आलसी ऐसे अल्लट ऐसे आहड़ आहड़ को राजधानी भी किसने बनाया अल्लट ने आहड़ जब लिखते हैं अपने आहड़ आहड़ में जो है दिख रहा है तो इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था हरिया देवी वंश की राजकुमारी के साथ इसने विवाह किया तो कहने का मतलब है राजस्थान का पहला राजा जिसने इंटरनेशनल मैरिज की अंतर्राष्ट्रीय विवाह तो अल्लट भारत का चंद्रगुप्त मौर्य सेल्युकस निकेटर की पुत्री हेलना के साथ विवाह किया था और उसको 500 हाथी भी दिए थे उसने जैत्र चित्र इत्र जेत्र सिंह के समय चित्र से चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था इत्र से इलतुत ने जब आक्रमण किया भूताला का युद्ध बारह सौ ईस्वी में हुआ जिसकी जानकारी हमें हमीर मदमर्दन नामक जो ग्रंथ पहले प्रश्न पूछ चुके हैं पूछा जा चुका है उसमें प्राप्त होती है ये वीडियो आप जब देखोगे पूरे लाइव क्लास वाले तब आपको पता चलेगा कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है कला निधि रसिक प्रिया सूड प्रबंध नृत्य रतन कोष नृत्य रतन कोष का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ सूड प्रबंध के बारे में मैं बता चुका हूँ रसिक प्रिया के बारे में मैं बता चुका हूँ आज वाले वीडियो में ही तो बच गया कौन सा कला निधि तो जवाब जल्दी जल्दी आने चाहिए प्रत्युत्पन्नति वाले बन जाओ आप। आपके पास वो मौका नहीं है कि पहले जो कहते थे हमें तो आँख दिख रही है निशाना लगा देंगे कोर्निया को देखना पड़ेगा ठीक है बोर तो नहीं हो रहे ना कोई अब हो भी रहे हो तो आप सोचो कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो सिर्फ वीडियो देखना ही है पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है जी सही है बिल्कुल तो उत्तर होगा अबुल फजल बंदा यूनी बंदा था तो गंदा था बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है क्या कहा है गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है किसको कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है थर्मोपल्ली क्योंकि फारस और यूनान के मध्य 400 सौ ईसा पूर्व में फारसी सेनानायक थे जरेक्स उसकी विशाल सेना थी और यूनानी सेनानायक थे लियोनीडास लियोनिडास जिसके पास लगभग 300 के सैनिक थे उनके मध्य एक नामक तंग दर्रे में एक युद्ध लड़ा गया जिसमें एक यूनानी शासक था एपियाल कौन सा शासक था जिसके विश्वासघात के कारण यूनान इस युद्ध में हार गया लेकिन लियोनिडास जो था उसके वीर सिपाहियों ने अपनी वीरता का परिचय दिया अपने प्राणों की आहुति दे दी उसी प्रकार हल्दी घाटी युद्ध की तुलना कर्नल जेमस्टोन ने थर्मोपल्ली युद्ध से की है किस युद्ध से की है थर्मोपल्ली युद्ध तो बात करते हैं फारस और यूनान चार सौ ईसापुरु एक तरफ जरेक्स एक तरफ लियो नीडास विश्वासघाती सैनिक अपिया लिटीज ठीक है तो इसमें प्रश्न पूछा जाए कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था तो बंदायूनि ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मुंत खाव उल तवारीक मुंत खाव उल तवारीख नामक ग्रंथ में किसने किया है अब्दुल कादिर बंदायुनी ने ही वह व्यक्ति था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था गोपीनाथ शर्मा 18 जून हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था पंद्रह में लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून पंद्रह को यह युद्ध हुआ है नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है तो इसका उत्तर आप सभी दें अमीर खुसरो के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि व इतिहासकार था जिसे तोता वे हिंद कहा जाता है और उत्तर प्रदेश के इटावा पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ इन्होंने आशिका किरातुल सादेन किरात में भारत की प्रशंसा की है तारीख़ अलाई जिसे खजान उल्फतु कहते हैं इसमें चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है अगस्त 1303 में अगस्त 1303 में हल्दी घाट ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था ठीक है दोस्तों जितने लोगों ने वीडियो देखा है वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें कमेंट करें फीडबैक ज़रूर दें क्योंकि आपके सुझावों के ऊपर ही मैं चल रहा हूँ आप सभी के लाइव कमेंट में देख रहा हूँ धन्यवाद बोलो बांके बहरे लाल की जय